राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपू यादव ने एसडीएम चौरी चौरा को सौंपा 43 सूत्री ज्ञापन। आपको बता दें कि आम हिंदुस्तान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपू यादव ने संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर तहसील मुख्यालय चौरी चौरा पहुंचकर एसडीएम को 43 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर शहीद नगर चौरी चौरा को जिला बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेश, विद्यार्थी महासचिव रामानंद, उपाध्यक्ष निषाद, बाबूलाल पासवान, कमलेश पासवान, खजाती पासवान, इंदल मौर्य, भोला ठाकुर, सदी सनीफ खान, कोषाध्यक्ष इमरान अली खान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बीएनवाई न्यूज के लिए चौरी चौरा से विनोद पासवान की खास रिपोर्ट। चौरी चौरा को जिला बनाने के लिए बहुत साले से मेहनत कर रहे थे और चौरी चौरा विश्व पटल पर हिंदुस्तान में पूरा विश्व में इनका शहीदों का नाम से ये माना गया है, इसीलिए मैं चौरी चौरा को जिला बनाने के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। ये तहसील कितने वर्षों से मांग कर रहे हैं कि ये जिला बन जाए? ये फर्स्ट है हम लोग का, है फर्स्ट है, इस हम लोग मांग कर रहे हैं। चौरी चौरा को ही जिला बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं आप? इसीलिए मांग कर रहे हैं चौरी चौरा जिला बनाने के लिए। ये विश्व में स्वतंत्र सेनानियों के नाम से शहीद हुए हैं लोग, यहाँ पर थाना फूका गया है चौरी चौरा को, विश्व में सब लोग जानते हैं, इसीलिए हम चौरी चौरा को मैं जिला बनाने के लिए हम लोग ठीक कर रहे हैं। आप मांग करते वक्त क्या ज्ञापन सौंपे किस एडीएम साहब को? मैं विज्ञापन सौंपे हैं हम लोग। क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने यही लिखा है, अन्य विभिन्न विभिन्न मांगे हैं, उसमें चौरी चौरा स्टेशन को जंक्शन बनाने के लिए भी मांगे हैं और सरदार नगर जो गन्ने का मिल है उस पर मांग किया गया है और हम लोग जो विकास के लिए मांग किया गया है। जी आपका नाम? मेरा नाम टीपी यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष टीपी यादव। कौन सी पार्टी के राष्ट्रीय? हाँ, आम हिंदुस्तानी पार्टी का।